हाय एवरीवन, आई एम इम्तियाज़ पटेल। मैं आज आपको बहुत बड़ा न्यूज़ देने जा रहा हूँ जो काबिले तारीफ़ और एक तरह का आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा उलटफेर और बहुत बड़ी कामयाबी हम समझ सकते हैं। जी हाँ, एक इनिंग में 10 विकेट लेना, एक इनिंग में 10 विकेट अब तक जो इन्होंने ली है वो है जेम्स लेकर, जेसी लेकर जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने पूरे इनिंग में 10 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड की तरफ से वो खेलते थे और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को उन्होंने आउट किया था एक ही इनिंग में। ये उसके बाद ये जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। उसके बाद जो है अनिल कुंबले, हिंदुस्तान के फिर की अच्छे गेंदबाज, जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की टीम को ऑल आउट किया था सन 1999 में। उसके बाद एक कारनामा हुआ 2021 में, एजाज़ पटेल न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। वैसे मुंबई के हैं, वैसे तंकारियन का नेटिव प्लेस है भरूच डिस्ट्रिक्ट में, मगर न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, स्पिनर। इन्होंने इन हिंदुस्तान की पूरी टीम को आउट किया था इसी साल, मतलब 2021 में, जो अभी साल ख़त्म हुआ। मगर चौथा नाम अभी हमारे सामने जुड़ गया है, मगर वो डोमेस्टिक लेवल से है और भरूच डिस्ट्रिक्ट के सरबल क्रिकेट ग्राउंड पर, ये जो भरूच से करीबन 20 किलोमीटर दूर है वहाँ पे ये मुकाबला खेला गया था। विलेज टूर्नामेंट जिसे हम कहते हैं, 30 ओवर का लेडर बॉल पे खेला जाता है। टफ विकेट, लॉन, अच्छा ग्राउंड, पावरफुल प्रॉपर ग्राउंड क्रिकेट का, जहाँ पे करीबन 64 से ज़्यादा क्रिकेट की टीम, विलेज की टीम पार्टिसिपेट करती है, जिसमें एक मुकाबला हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा उस मुकाबले के बारे में कि किस तरह से ये कारनामा सफ़र ने किया था। तो ये जो मुकाबला खेला गया था वो चांचवेल केजीएन टीम और स्टार टीम राड़पोर, राड़पोर भी एक विलेज का नाम है और चांचवेल भी एक विलेज का नाम है जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों ही छोटे से गांव है, मगर काफ़ी होनार और टैलेंटेड बच्चे उन टीम के लिए खेलते हैं। तो इसी तरह से सफ़वान पटेल जो खेलते हैं राड़पोर टीम की तरफ से, स्टार टीम राड़पोर की टीम की तरफ से, तो उसके बारे में आपको मैच के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो मुकाबला खेला गया था वो 23 जनवरी 2022 को खेला गया था और चांचवेल केजीएन की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर उनके फैसले को और उनके ये जो डिसीजन को चकनाचूर कर दिया एक ही गेंदबाज सफवान पटेल ने। लेफ्ट हैंडेड फास्ट गेंदबाजी करते हैं सफवान और शुरुआती ओवर से स्विंग करना जानते हैं, दोनों तरफ से स्विंग कर सकते हैं और काफ़ी इनके पास गति भी है। तो मैं आपको सफवान पटेल के बारे में बात करूं तो हुआ क्या इस मैच, उस मुकाबले में, कि उन्होंने पूरी 10 विकेट चटकाई। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूं कि पहले बल्लेबाजी करने का फैसले को पूरा जो उन्होंने चकनाचूर किया सफवान ने, तो चांचवेल के जीएन की टीम सिर्फ महज 24 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब इस तरह से जो गेंदबाजी की मैं बात करूं सफवान पटेल की, तो सफवान पटेल ने 4.5 ओवर में 3 मेडन ओवर डालकर सिर्फ 2 रन देकर पूरे 10 विकेट चटकाए और ये मुकाबला 10 विकेट से जीत गया स्टार टीम राड़पोर। तो ये बहुत बड़ा नाम है सफवान पटेल। मैं उम्मीद करता हूँ उस पर जो हमारे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके अलावा और भी जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे हैं, तो उन पर नज़र रहेगी और IPL की टीम भी मैं चाहूँगा उन पर नज़र लगाए, उस लड़के को कुछ फैसिलिटी, उनको कुछ मौका दिया जाए, उसको ट्रायल बेसिस पे बुलाया जाए तो ज़रूर से एक उसको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। वैसे लड़का जो है टैलेंटेड होनहार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे उसको ज़रूर से मौके मिलेंगे। तो ये नाम ज़रूर याद रखिए, सफवान पटेल, जिन्होंने एक ही इनिंग में 30 ओवर के लेडर बॉल की मैच में, 30 ओवर की मैच में इन्होंने पूरी इनिंग में पूरे 10 विकेट चटकाए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर ऑल फर्दर वीडियोज़।